वो सजदा रूहे जमी जिससे कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मम्बर व महराब अल्हमदिल्ल रबालमीन वसलात वसलम उल् सैदल अंबिया इबालमसली आउज़ व्न बिसमिल्लिम नाजरिन महतरम्समकम वाला वबरकू प्रोग्राम रोशनी सपकीले के साथ आपका मेज़बान सुमैर अहमद हाजिर ख़िदमत है गुज्त दो अकसात में आपने मुलादा किया कि गुफ्तू की गई आ, इबादत की कबूलीत पर और इसी सिलसिले का आज ये तीसरा प्रोग्राम तीसरी एपिसोड पेश की जा रही है और आज मज़ीद सवाल इस मौजू से रिलेटेड हम इनशा शामिल करेंगे अल्लाह तबारक वालान मजीद व फ़ुरान हमीद में इर्शाद फरमाता है वमा ख़लतुलजन् वनसा अबून और मैंने पैदा नहीं किए जन्त और इंसान माँ सिवा ये कि वो मेरी इबादत करें यह मफहूम हमें मिलता है इस आयत का और इसी पहरा में अगर नाजरीन हम देखें तो जितने भी इंसान इस कायनात में आए जितने भी जिन्नात आए सबसे ये तकाज़ा किया गया सबको ये मैसेज ये पैगाम दिया गया कि तुम्हारी तख्लीक का जो मकसद है वो ये है कि तुम एक रब ला शरीक की इबादत करो और इसी मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया लाजमी सी बात है नाजरीन हम जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में बसते हैं हमें पता है कि इबादत की अहमियत कितनी ज़्यादा है जो कि मकसद हयात है उसको जब हम अमली जामा पहनाते हैं तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी जो एस ओ पीज़ हैं हमें ये देखना है कि आया कि हम उसको किस अच्छे अंदाज़ से फॉलो करते हैं ताकि हमारी जो इबादत है वो कबूलियत के दर्जे पर पहुंच सके और इसी के लिए ए आर वाई क्यू टी वी डे वन से ये काविश करता है कि जितने भी मुसलमाना ने आलम है जब वो अपनी इबादत की तरफ रुजू करें इबादत को परफ़ॉर्म करें अपनी इबादत की अदाई करें तो वो उन तमाम एस ओ पीज़ और प्रोटोकॉल्स को मलहूज़ रखें कि को प्रॉपर फॉलो करते हुए या यूँ कहें कि जब हम अपनी इबादत को सरत मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के ताबे कर लेंगे तो यकीनन हमारी इबादत दर्ज कमाल को पहुँचेगी और दर्ज कबूलीत भी पालेगी इसी सिलसिले में कुछ ऐसे सवाल जो कि हमारे हम देखते हैं कि नाजरीन पूछते हुए नज़र आते हैं अक्सर लोग सवाल करते हुए नजर आते हैं ये तौर पर लोगों के दिलों में जहनों में यह सवाल होते हैं कि आया कि जब मैं इबादत करूं तो उसका हकीकी तस्वुर क्या है मुझसे क्या तक रब फरमा रहा है इसी के साथ साथ नीयत का मैार जब हम इबादत करते हैं तो वो क्या होना चाहिए इसी तरह दीगर जो फॉर्मेलिटीज हैं और जो आप समझ लें कि ऐसी तमाम रिस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्शन हैं जो हमें अल्लाह तबारक वाल की बारगाह से दी गई जितनी भी कमांड्स दी गई हमें उसको प्रॉपर फॉलो करना ये हमारे लिए ज़िंदगी का एन मकसद होना चाहिए और इसी को फॉलो करने के लिए इसके बारे में मालूम हासिल करने के लिए आज का यह ऐवान एक बार फिर सजा और जो सवाल दो गुज्त साथ में शामिल किए गए उससे हटकर कुछ ऐसे सवाल जिसमें बड़ी क्यूरियोसिटी पाई जाती है बड़ा तजस्स पाया जाता है हम अपने कराम मुमताज़ मरूफ़ सािबान दानिश से आज ये सवालात रखेंगे और इन शाला मुझे उम्मीद है कि आप नादरी बैठ कर ये प्रोग्राम बड़े ही तोह के साथ और गौर वफ़िक के साथ सुनेंगे ताकि हम अपनी इबादत को अच्छे से अच्छे अंदाज से बारगा रब्ज़त में पेश करने के काबिल बन सकें हजब रवायत हज़ब मामूल बेहतरीन पैनल साहिबानल् दानश मरूफ मुमताज़ल कराम हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दाएँ जानब नाजरन मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद खुरम इकबाल रहमानी साहब किबिला खैर मकदम है आपका जजाक बहुत शुक्रिया और आप ही के साथ मेरे बाएँ जानब तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देदी शाह शाहब हज़रतम वरम वर आपका भी खैर मकदम है सर वेलकम करते हैं आपको जजाकल्ला नाजरीन अल्लाह तबारक बताया ने कुर मजीद में रिशात फरमाया आया करीमा का मफहम है कि अल्लाह ताली की इबादत इतनी कर के तू हकीकत को पाले ये आया कि ये आयत क्या है इसमें क्या असरार और असरारमूज़ मौजूद हैं और ये क्या तकाजा हमसे कर रही है क्या मफाहिम इस आयत के मिलते हैं मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम रहमानी साहब सर आपसे जानना चाहूँगा इब्तदा में कि बड़ा अहम सवाल है इसमें जो बात की गई यकीन हासिल होने की इस हवाले से ये आयत क्या तकाज़ा करती है क्या मफ़ाहम हमें इसके मिलते हैं निषात फरमाइएर कुरान मजीद फरक़ान हमीद की जो आयत मुबारक अभी सर सरनामा कलाम में आपने पढ़ी और सवाल भी इसी मुताबिक है वबुदरबा का कल यकीन तो इसमें जो लफ्ज़ यकीन है उसके मतलब मुफसरन ने एक राय ये भी पेश की कि इससे मुराद है मौत अल्लाह यानी जो हमारी जिंदगी की यकीनी कैफियत है वो उस वक्त है जब हमारा खात्मा होगा हो इससे पहले जो कुछ है वो वाह सबसे बड़ी हकीकत सबसे बड़ा यकीन, काभिल यकीन, काभिल यकीन, अम्र जो है वो क्या है Allah. हमारा मौत है हो तो उस वक्त हम किस कैफियत के अंदर हों तो फर्मा वाहबा का हत्या या अति कल यकीन यानी तुम्हारी इबादतों का तसलसल इस कैफियत में होना चाहिए कि जब तुम्हारा वक्त आखिर आए तब भी अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल हो वाह अच्छा एक बात तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो इबादत का मफहम है हमने चंद मखसूस अरकान की अदायगी को इबादत समझ लिया है अल्लाह जैसे आपने आयत मुबारक पढ़ी वमा खलक्तुल जिन्न वल इल्ला खलतुलजन्ना कि मैंने इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है तो इबादत से मुराद आखिर है क्या इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर इबादत से मुराद आप सिर्फ़ नमाज समझते हैं कि सिर्फ़ नमाज ही इबादत है तो एक दिन में पाँच नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं उन पाँच नमाज़ों की अदायगी में कितना वक्त सर्फ़ होगा एक घंटा दो घंटे उसके बाद के जो बाकी के बाईस घंटे हैं क्या वो बग़ैर इबादत क्या वो बग़ैर इबादत के इसी तरह अगर इबादत का मफहूम हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ़ रोज़ा रखना तो रोज़े तो पूरे साल में एक महीने के फ़र्ज़ हैं बाकी ग्यारह महीने बग़ैर इबादत के गुज़ारें हैं Allah. अगर इबादत का मफहम सिर्फ जकवात आप लेते हैं तो जकवात तो है ही सिर्फ मालदारों के लिए तो क्या गरीब इबादत से खाली है खाली है इसी तरह हज वो भी जिंदगी में एक मरतबा फर्ज और उस पर जो इस्तात रखता हो तो, तो एक मरतबा हज करने के बाद आप इबादत से बिल्कुल फारि हो गए तो जो इबादत का हमने मफहम ले रखा है या जो हमारी दानिश के अंदर मफह हमने समझ रखा है कि चंद मखसूस अरकान की अदायगी बिलाशुबा हम पे फर्ज है लेकिन इबादत एक वसी माना रखती है और उसका हकीकी मफहूम यह है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा हमारे रब की फर्मा बरदारी में गुजरे Allah, वस्ल्लाम 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 की सुन्नत की इतब में गुजरे बेशक और बेश हकीकी मफहूम है कि हम अपनी जिंदगी यानी जिस वक्त हम सजदे में हो तो हमारा सर अल्लाह इज्जत की बारगाह में ही झुकेगा अल्लाह लेकिन जब वो सजदे से सर उठा लिया तो क्या अब मेरा सर और मेरा दिल उस रब की बारगाह में ना झुके नहीं सर्द उठ गया है मगर दिल अब भी उसी बारगाह ही नियाज में झुका रहना चाहिए सजदे का हक जब ही अदा जब ही हक अदा होगा तो हकीकी मफह इबादत का ये है Allah. कि हम यानी अगर इस आयत मुबारक का मैं ये तर्जुमा करूं जैसे हम वाजे कर रहे हैं जी वहाँ इबादत कीजिए तो क्या बंदा हर वक्त सजदे में ही रहे कि पता नहीं कब मौत आ जाए मैं सजदे में ही सर रखू या हर वक्त नमाज की नीयत बांध के खड़ा रहा पता नहीं कब मौत आ जाए नहीं जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की फर्मा बर्दारी में गुजारे ये हकीकी इबादत है अल्लाह इन तमाम तरीबात जो हम पर फर्ज की गई हैं उसका बुनियादी फलस करानी करता लम्हाती नहीं होता ये तो हमेशगी का ताल्लु है और हमेशगी के ताल्लुक की नस्बत यह होनी चाहिए जब मुसल्ले पर खड़े हो तब भी उसकी इबादत करें ऑफिस में बैठे हो तो भी उसकी इतात फर्मा बरदारी और बंदगी होनी चाहिए अपनी दुकान पर बैठे हो तो भी उसी की बंदगी होनी चाहिए अपने दीगर उमूर के अंदर मशगूल हो तो भी उसी की बंदगी होनी चाहिए जिंदगी का हर लम्हा उसकी बंदगी में उसकी इतात फर्मा बरदारी और नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक गुजारी इसी कैफियत में आपकी मौत आनी चाहिए दूसरा एक इसका बड़ा खूबसूरत सा मफहूम ये भी है कि हम अमूमन ऐसा होता है कि मैंने नमाज पढ़ी पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई मैंने रोजा रखा पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ तो फरमाया कि तुम्हारी इबादत इस शान के साथ होनी चाहिए कि तुम्हारा खुद दिल गवाही दे के कबूल हो गई इस कैफियत में होनी चाहिए कि इबादत का जौक उसकी लज्जत उसकी कैफियत उसकी सरशारी तुम्हारी रूह तक के अंदर महसूस हो और तुम कंफ्यूज ना हो पता नहीं हुई कि नहीं हुई क्योंकि इबादत की अदायगी पर फतवा दिया जाता कबूलियत का नहीं दिया जाता ठीक है कोई इबादत अरकान अदा हुए जी इबादत अदा हो गई कबूल किसने करना है अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कबूलियत का फतवा कोई नहीं दे सकता कि जी कबूल हुई नहीं हुई तो सबसे बड़े मुफ्ती के मुताबिक खुद सरकार ने फरमाया कि दिल है जो बता देता है तो इबादत इस यकीन के साथ कीजिए कि आपके दिल को भी यकीन आ जाए कि जिसकी इबादत की उसने कबूल कर ली है और उसने बंदगी का ऐसा जोकता फरमाया है कि हम मुसल्ले पर भी उसकी बंदगी कर रहे हैं और उसके बाद जब वहां से हटना है तभी वो कैफियत है और किस वक्त मौत आ जाए किसी को नहीं पता जिंदगी का हर लम्हायत तो मुबारक का हकीहु अदा कर सकेंगे कि हम इतनी इबादत करें और ऐसी इबादत करें कि मौत आते वक्त तक हम अल्लाह की फर्मा बरदारी से हर गिरो गिरदानेमी जवाबी साहब सलामत रहे नादरीन जो बातें मुफ्ती साहब ने कीं यकीनन ये जो मलफूजात थे दिलों को रोशन करते हैं पता चलता है कि वाकई इबादत का हकीकी तसवर क्या है यू नो वॉट ड मुफ्ती साहब मीन के मुस्लिम्स आर दोज हैव गॉट दिस ऑपरचुनिटी दैट दे कैन स्पेंड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ़ देयर लाइन लाइफ इन इबादा ये इस्लाम की ये इम्तियाजी खसूसियत है कि इस्लाम वो दीन है कि जो अपने जितने भी बंदगाने खुदा हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी फराम करता है कि वो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह इज़्ज़त की इबादत में गुजार सकते हैं और जजमेंटल नहीं होना चाहिए जो आपने दूसरी बात की उसमें जो अखज़ किया जाएगा खुलासा वो यही है कि वी हैव हाँ टू डू आर लेवल बेस्ट हमें अपना बेहतरीन देना है और इतने खुशू और खुजू के साथ को शौक़ के साथ अपनी इबादत को परफॉर्म करना है कि दिल से यह आवाज़ आए कि हमने जो इबादत के जितने भी प्रोटोकॉल से उनको प्रॉपर फॉलो किया है नादरिन एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देदी शाह साहब की तरफ और सवाल ये है कि आपने हमने ये हदीस बारहा सुन रखी है कि इन नमल आमाल बिन जो अमल है उसका दार मदार नीयत पर है और जब हम इबादत को परफॉर्म करते हैं इबादत की अदाई की तरफ जाते हैं तो हमारी नीयत की अहमियत क्या है उसकी बहुत शुक्रिया सुमेर भाई नीयत और इबादत का ताल्लुक इंतहा गहरा है और यूँ समझ लिया जाए कि रूह और जिसम का ताल्लुक है जिसम की वो अमल है और रूह का ताल्लुक जैसे उसमें नीयत शामिल है अगर कोई भी अमल व नीयत से खाली है तो अल्लाह रबारमिन की बारगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं है जिस तरह सही बुखारी शेफ़ की पहली हदीस मुबारक आपने पढ़ी कि इन नमल बिन नीयात कि अमल का दार मदार वो नीयत पर है हम किसी भी नेकी में अगर देखें वो इबादत है उसका तयन है उसकी सेहत है फिर उसका कबूल होना या मरदूद होना फिर उस पर अजर षवाब का मामला ये सारी चीज़ें वो नीयत से मुतक है यानी अगर आप की नीयत खालिश है तो वह इबादत भी सही है अल्लाह रब्मीन की बारगाह में कबूल भी है उसका अजर भी है और उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके समरात और फवाइद भी अता फरमाता है लेकिन अगर किसी भी तौर पर नीयत में खोट आ जाता है नीयत ख़ालिश नहीं रहती तो ये सारी चीज़ें वो धरी की धरी रह जाती हैं तो अमल में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक अमल से मुतक फ़रमाया कि इंसान नेकी करता है और ऐसा अमल जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो सकता है बेशक लेकिन अगर उसमें भी नीयत में कोई ख़राबी आ जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं फ़रमाता जिस तरह हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की बारगाह में चंद सहाबा से अर्ज किया गया चंद सहाबा के बारे में कि उन्होंने जो हिजरत का मामला किया है वो खालिसतन इसलिए नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है बल्कि इसके साथ कुछ और चीज़ें भी शामिल हो गई थी तो हुजूर ने फरमाया कि फमन कानत हजरत हुई वसो फरत हुई फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की है तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसका हजरत आ फरमाएगा ये नीयत लेकिन अगर अगर उसने नीयत यह की कि अल्लाह के लिए अल्लाह के रसूल के लिए बल्कि किसी और काम के लिए, लिए किसी और घर से अगर उसने ये हिजरत और यह अमल किया है तो फरमाया कि उसको वो काम तो मिल जाएगा वो चीज़ जो जिस मकसद के लिए उसने इरादा किया है वो चीज़ तो हसूल हो जाएगी उसका लेकिन उसमें तासीर और उसमें जो बरक़त हैं अल्लाह ताला उसे महरूम फरमाए तो खालिसतन कोई नेक अमल भी अगर नीयत से खालिश हो खाली हो और नीयत से महरूम हो तो अल्लाह आलमीन उसकी तासीर उसका अजर व स्वाब उससे महरूम फरमा देता है ठीक और इससे ये ना समझा जाए कि अगर जिस तरह अगर इबादत से नीयत हट जाए तो वह इबादत कबूल नहीं है सही. तो अगर किसी गुना के काम में अच्छी नीयत कर ली तो वो अल्लाह रब्लम की बारगाह में मकबूल होगा जिस तरह हम कई अफराज से मुतक सुनते हैं कि वो जो चोरियाँ करके और फिर गुराबा की मदद किया करते थे फुकरा और मसाकिन और कई घरानों का वो राशन पानी दिया करते थे तो अब यहाँ एक तस्वीर ये आता है कि क्या आ, वो नेक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है तो जो फी नफसी काम मरदूद हैं नाजायज हैं हराम हैं और जिनकी शरण कोई इजाजत नहीं रखी गई है चाहे उसमें जितनी भी खालिश नीयत शामिल कर ली जाए यानी चोरी करके उस नेक काम को करने अल्लाह रबुल आर्मीन की बारगा में मकबूल नहीं हो गई तो नीयत भी अच्छी हो अमल भी आ, साले हो अच्छा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसको कबूल किया जाता है आप वसल्लम एक गज़बे में है और एक शख्स से मुतलिक्राम अर्ज़ करते हैं कि आसल ये तो बड़ा आ, बहादुर है और अपनी जान हथेली पर रखकर कुफार का ऐसे मुकाबला कर रहे हैं तो आप अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमा लिया था, था, था कि यह किस मक़सद के लिए है हुजूर ने फरमाया कि अगरचे उसने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है अगर उस, उसने अपनी जान को दाव पे लगाया हुआ है और मुमकिन है कि वो कत्ल कर दिया जाए लेकिन हुजूर ने फरमाया कि वो जहन्नमी है पहले से ही हुजूर ने फरमा दिया सहाबा हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो इस्लाम के दिफा के लिए जाहिरन लड़ रहा है और मुसलमान लश्कर से वो लड़ रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जहन्नमी हो सकता है अब हुजूर ने फरमाया तो ये सहाबा का अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपका फरमान वो खिलाफ हकीकत नहीं हो सकता अब जंग खत्म हुई तो देखा गया कि उसने ही अपना ही छोड़ा अपना नेजा वो अपने पेट में घोपा हुआ है तो अर्ज़ की गई कि आसल उसने ऐसा अमल किया तो हजूर ने फरमाया कि वो मैदान जिहाद में इसीलिए गया था कि उसकी शहरत हो दादो तहसीन हो उसका चर्चा हो यानी एक ऐसा अमल जिसकी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना यह इतहा दर्जे का फजीलत वाला अमल और अगर इसी कैफियत में शहीद हो जाए तो फरमाया कि उसके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी मफरत फरमा है, जन्नत में ठिकाना अता फरमा देता है लेकिन अगर उसमें नीयत में, में खोट पैदा हो गया तो अल्लाह उसके साथ मामला फरमाएगा फिर तीन अफराद के एक का तस्कराया बहुत अहम जवाब है आपका और मालूम बहुत जबरदस्त है मैं चाहूंगा यह मुकम्मल आप कर लें अगर हम ब्रेक थोड़ी सी आपकी इजाजत ना एक मुख्तर साहब हमारे साथ रहेंगे ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नादरी गुफ्तु हो रही है आज जो मौजूद यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं गुफगू करने की उसका अहाता करने की और मालूम पहुँचाने की हमारे नाजरन तक वो बहुत अहम इसलिए है कि इंसान की जो तख्लीक है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो बुनियादी मकसद बताया गया वो इबादत है और इबादत की कबूलियत आज का मौजू है जिस पर सैर हासिल गुफ्तु दोनों मुफ्तिया ने क्राम फरमा रहे हैं और जो सवाल मैंने मुफ्ती जैगम अली गर्दीदी साहब से किया था वो भी बहुत अहम है कि नीयत का कितना किरदार है अपनी इबादत को अमली जामा पहनाने के लिए इस पर मुफ्ती साहब गुफ्तू फरमा गुफ रहे थे ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा पहले आप मुकम्मल करें हज़रत तो अपना जवाब फिर इनशाला आगे हम मजीद सवाल करते हैं उमहर भाई सईद आलम सल्ला वसम ने क्यामत के हवाल को बयान फरमाया कि सबसे पहले तीन अफराद को अला की बारगा में पेश किया जाएगा एक आलम है एक सखी है और एक शहीद है ठीक और जिसने जाहिरन वो इस्लाम की सरवुलंदी और बका के लिए अपनी जान का नजाना पेश किया ठीक तो अल्लाह की बारगाह से पहले नेमतों का तस्करा फरमाया जाएगा कि मैंने तुम्हें फ़ुला फलां नहमत अता फरमाई तुमने क्या किया तो आलि मर्ज़ करेगा कि अला मैंने तेरी रज़ा के लिए दीन सीखा दीन की तरवीजो अशाद की दी की तबलीग की तो अल्लाह की बारगह से फरमाया जाएगा कि तू तो ये काम इसलिए नहीं किया तो ने जितनी भी कोशिशें की ये इसलिए की कि तेरी दादो तहसन हो नुद वनुमाइश हो तेरी शोहरत हो तेरी इज्जत की जाए ये सारी चीज़ें और ये सारी तेरी तगो जो थी वो दुनियावी इस तरह के मुनाफे हासिल करने के लिए थी और फरमाया कि तूने दुनिया में उस अमल की वजह से जो चाहा तुझे अता फरमा दिया गया तूने नुमाइश चाही लोगों के ज़बानों पर अपने लिए दादो तहसीन चाहिए फरमाया कि वो तुझे, तुझे दुन्या अता फरमा मिल गया अब हमारे प्यास क्या लेने आए तो फरमाया कि उसे जहन्म में डालने का हुक्म फरमाया जाएगा तो फिर इसी तरह शहीद के बारे में फरमाया जाएगा कि तूने काम क्या किया मेरी रिजाक के लिए कौन सा अमल किया तौर तो करेगा कि इलाही में अपनी जान तेरी रजा के लिए कुर्बान कर, कर, दी, कर दी तेरी खुशनुदी के लिए तेरे दिन के सरबलंदी और बका के लिए कुर्बान कर दी तो फरमाया जाएगा तूने ये काम इसलिए नहीं किया बल्कि तेरी नीयत क्या थी कि लोगों की जबानों पर तेरी शोहरत हो शुजात और बहादुरी के चर्चे हो और तेरी तारीफ व तोसीफ़ की जाए तो फरमाया कि दुनिया में यह सारी चीज़ें लोगों की जबानों पर जारी करा दी गई अब हमारे पास क्या लेने के लिए इसी तरह फिर सखी के बारे में कि तूने ये जितना भी अमल किया ये खालिशता इसलिए था कि लोग तुझे सखी कहें और तुझे गनी कहें तेरी तारीफ़ की जाए फरमाएँ कि लोगों की ज़बानों पर हमने ये सारी चीज़ें जारी फरमा दी आज हमारे पास क्या लेने आए यानी एक ऐसा अमल के जो खालिसता अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए और वो खालिसता इबादत का दर्जा रखता है अगर उसमें भी नीयत में खोट आ जाता है तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है और अगर कोई दुनियावी काम भी अगर उसमें नीयत की अच्छाई के साथ अच्छी नीयत के साथ साले नीयत के साथ अगर उसको किया जाए दुनियादारी वाला कोई काम है मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है और या एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है वो अपना काम करता है रोजी रोटी कमाता है लेकिन अगर उसमें साले नीयत शामिल हो जाए कि मैं जो इलाज करूंगा मखलूक की खिदमत करूंगा ताकि मखलूक की खिदमत के जरिए अल्लाह रबुल से मेरी की खुशनुदी हासिल करूं, तो अगर चाहिए दुनियावी तौर पर यह काम काज उसकी रोजी रोटी का एक जरिया है लेकिन नीत साले है तो अल्लाह रबीन उसका अजर रता फरमाए तो नीयत में खलूस होना चाहिए नीयत साले होनी चाहिए कोई भी काम करें खालिशद अल्लाह रबुल आरम की रजा के लिए करें दुनिया में भी अल्लाह ताला उसके समरात अता फरमाते और आखिरत में भी उसके समरत अल्लाह मुस्ता बहुत उम्दा जवाब और नादरीन यकीनन मकसद भी यही है इस प्रोग्राम का कि हम कमिटमेंट कर लें अपने आप से कि अभी तक जैसे दिन गुजर गया याम गुज़र गए गुजर गए गय, हमें कल कयामत में रब के हुजूर पेश होना है और हम सब ये चाहते हैं कि हम अपना अपने अमाल अपनी इबादात का इस तरह से अहतमाम करें कि वो कबूलियत के दर्जे पर पहुँचे और इसीलिए नीत का इसमें कितना बड़ा रोल है ये मुफ्ती साहब इर्शाद फरमा रहे थे तो हमें अपनी नीयतों को ठीक करने की ज़रूरत है अगर मुझसे आपसे अभी तक अपनी इबादत में रियाकारी का एलमेंट मौजूद था हम लोगों की नमूदो नुमाइश के लिए हम ये सारे काम कर रहे थे तो हमें चाहिए कि इस पर हम जरा गौर करें और अपनी नीयत को ख़ालि कर कर और फिर अल्लाह रब्ज़त की बारगाह में अपनी इबादत पेश करें ताकि हमें वो तमाम बरक़ात वो तमाम फ़ायदे हमें हासिल हो सकें जो कि मकसद हैं उस इबादत का और सबसे बढ़ कर ये कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा मिल सके मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा माशरे में हमें एक तबका ऐसा भी आज माज अल्लाह नज़र आता है कि क्योंकि साहिब सरवत हैं साहिब दौलत हैं खूब अल्लाह तब तक को नवाजा हुआ है बहुत पैसा उनके पास है तो इबादत जैसी चीज़ पर भी माजल्ला कहना नहीं चाहिए लेकिन लगता है कि वो सौदा करने के लिए तैयार हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि हमें रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं हम तो फ़िदिया देकर अपने रोज़े माफ़ करवा लेंगे इस तरह की अजीब व ग़रीब बातें सुनने के लिए आज के इस माशरे से ये आवाज़ भी आ रही है तो मैं चाहूंगा इस पर भी आप कलाम फरमाएँ ताकि असलाह हो सके हमारी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सवाल है और यकीन तरबियत की बहुत ज़रूरत है किबला मुफ़ी साहब इबादत में नीयत की अहमियत के हवाले से गुफ्तगुर फरमा रहे थे बस एक जुमला मैं सिर्फ इबादत में नीयत की अहमियत कितनी है उस पर सिर्फ अर्ज़ करना चाहूंगा इत्षाद, कि इत्षाद। आदत और इबादत में जो फ़र्क है वो सिर्फ नीयत का है अल्लाह अकबर तो अगर कोई शख्स नीयत ना करे तो वो आदत तो हो सकती इबादत, इबादत, नहीं, इबादत हो सकती। नहीं हो सकती इबादत होती ही उस वक्त ही जब वो नीयत के साथ हो ठीक तो बगैर नीयत की इबादत अहम बात नहीं है बहुत अहम बात तो कोशिश कीजिए कि नीयत जो है ना अच्छा फिर दूसरा नीयत एक खुफिया काम है या जो सिर्फ मेरा रब जानता है यानी अपने अमल को इंतहाई खूबसूरत और मुजैन करके मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ आपको मरूब कर सकता हूँ मुतासिर कर सकता जाहिर। जाहिर के ऊपर ना लेकिन हकीकत हाल जो है ना वो रब से पोशीदा नहीं तो वाँ ये वाँ मेरा और मेरे रब का मामला है तो अल्लाह ने इंतहाई खुफिया रखा है इसको तो जब वो अल्लाह के साथ ये मामला है तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा हम सबको अल्लाह पाक हम सबको इस बात को समझने की तोहफी फरमा अच्छा जो इबादत के तस्वूर पर हमने जैसे कलाम किया तो इस सवाल का ताल्लुक भी हकीकत में ऐसे ही है कि हम इबादत के फ़लसफे को समझ नहीं सके या हम इबादत को सही अंदाज में अभी तक समझ नहीं सके जहाँ तक ताल्लुक़ फ़दिया अदा कर देने का जी हम रोज़ों का फदिया अदा कर देंगे तो इबादत मबूद की मर्जी से होती है अब की मर्जी से नहीं अल्लाह यानी हमारे पास च्वासिस नहीं है ये कोई चॉइसिस का खेल नहीं है कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ ये कर लेता नहीं हम तो अब्द हैं और अब्द का इबादत में कोई इख्तियार नहीं नहीं है अब तो होता ही वो है जिसका सारे इख्तियार खत्म हो जाए तो अपने आप को सबसे पहले अब तो तो बंदा अल्ला मैं अल्लाह अल्ला। अल्ला का बंदा हूँ खूबसूरत बात और वो मेरा माबूद है तो माबूद मेरे किस अमल से राजी होगा तो अल्लाह को मैंने अल्लाह की मर्जी से राजी करना है अपनी मर्जी से राजी नहीं करना। मैं कोई नहीं होता इसका तयन करना जी बिल्कुल नहीं अच्छा दूसरी बात ये कि मादल्ला को हमारे माल की कोई जरूरत है अस्तख्फिरुल्ला अस्तख्फिरुल्ला वो, वो खुद है बेशक उसके खजानों की चंद जो है वो कैफियात है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है हमारे पास जो कुछ है वो कुछ उसी का हम उसको क्या देंगे बिल्कुल ठीक तो असल मतलू माल नहीं है असल मतलू क्या है इबादत है तो फिदिया बिलाशुबा शरीय मुताहरा ने मशरू किया है ठीक वो अफराद जो रोजा रखने की इस्तात नहीं रखते हैं वो फदिया अदा कर दें लेकिन फिदिया अदा करने के बाद भी उनकी तबाही और जिस्मानी साख इस कैफियत में है कि अब रोजा रखने के काबिल हो गए तो उन पर भी लाजिम जी कजा ही करेंगे रोजा रखना होगा वो जो दिया दे दिया तो उसका सवाब वो सदक़े की सूरत उन्हें मिल जाएगा लेकिन अभी भी असल मकसूद क्या है रोजा मकसूद है ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप किसी किसीनत के लिए या किसी मनसब के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आप कहें मेरे पास ये तो नहीं मैं ऐसा करता हूँ ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ बोले भाई ऐसा नहीं चाहिए तो मनसब है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको यही पूरी करनी पड़ेगी तो अल्लाह सुबह वाले ने जिस जगह पे ये भी उसकी शान रही है बेशक, बेशक। अगर वो चाहता तो बंदों को बोलता नहीं रोजा ही रखो चाहे कुछ भी हो जाए और मैं आपको बताऊँ कुरानी मजीद में जहाँ फिदिएगा जहाँ पे बीमार के लिए या मुसाफिर के लिए रोजो छोड़ने की बात आई ना वहाँ फरमा लक़ुम अल्लाह छोड़ने के लिए रुक्सत तो दे दी, है, दे दी है लेकिन अगर रोजा रख लो तो ये बेहतर है तुम्हारे इसकी लिए खैर भी बता दी ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आप इंतकाल ही कर जाएंगे ना एक्सट्रीम कंडीशन में और क्या होगा

और अपने नफ्स की मर्जी से इबादत ना करें बल्कि रब की मर्जी से इबादत अल्लाह पर माशा माशा नाजरीन एक के नाम गुफ्तु हो रही है मौजू है आज आज का इबादत की कबूलीत और मुफी साहब ने क्या खूबसूरत इर्शाद फरमाया अल्लाह तबारक हमें अमल की तोफ़ी दे मज़ीद सवाल शामिल करेंगे इस आखिरी सेगमेंट में आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तर से ब्रेक के बाद जी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन गुफ्तगु हो रही है आज जो मौजू है वह है इबादत की कबूलीत और बहुत अहम सवाल शामिल किए गए अब तक और बहुत ही मुफीद और समझ लें हैं सैर हासिल गुफ्तु हमारे दोनों ही मज्ज़ कराम ने फरमाई और अब जो सवाल नादरी मैं यहाँ पर मुफ्ती जैगम अली गर्दीदी साहब से पूछूँगा बहुत अहम सवाल है और हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा इवन हमारे डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा लिंक करता है हमें अपने मुआरे में इर्द गिर्द ऐसे लोग भी ऐसा तबका भी नज़र आता है कि जिनको मालूम भी है वो ये जानते भी हैं कि हाँ इबादत करना फ़र्ज़ है फ़लाँ फ़लाँ ये जो अरकान हैं इबादत के ये तमाम के तमाम वक्त पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक बजा लाना ये फ़र्ज़ ऐन है लेकिन उसके बावजूद वो हमें लेम एक्सक्यूज़ देते हीले बहाने करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि इबादत तो मैं कर लूँ नमाज़ तो मैं पढ़ लूँ रोज़ा तो मैं रख लूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा और क्योंकि नीयत दिल का दिल के इरादे का नाम है और जब दिल ही नहीं चाह रहा दिल में खुशी और खुजू ही नहीं है तो मैं अपनी इबादत पेश करूँगा भी तो शायद वो दर्जा कबूलियत को ना पहुँचे इस तरह के लेम एक्सक्यूज देते हैं और अपने आप को उन्होंने इबादत से दूर रखा हुआ है यह भी एक एक सवाल है और मैं चाहूंगा आप सब इसको गौर से सुने कि मुफ्ती जैगम अली गर्देदी साहब इसके इसके हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं सर बिसमिल्ला सुबहर भाई हमने आ, मुफ्ती साहब ने इस तरह कलाम फरमाया ना कि इबादत के असल मफहम को और हकीकी जो इसका तस्वर है उसको समझा ही नहीं ठीक इबादत में बंदे की मर्जी नहीं रखी गई कि मर्जी हो तो कर लो नहीं मर्जी तो छोड़ दो बल्कि अल्लाह रबालमीन की मर्जी है अल्लाह का फैसला है उसको करना ही करना है हर सूरत करना है चाहे कोई भी चाहे दिल चाहे ना चाहे दिल में उकताहट है कोई भी कैफियत है इबादत जो लाज़म फरमाई गई उनको बाहर सूरत करना है उसके अदायगी लाज़म फरमाई गई और फिर हम देखें ना कि दुनियावी तौर पर अपने मामूलात का अगर जायज़ा लें कि अगर इबादत के लिए दिल नहीं कर रहा तो उसको छोड़ नहीं देंगे जिस तरह हमें अगर कई दिन की ये कैफ़त है कि भाई खाने के लिए भूख नहीं लग रही ठीक तो अब हम ये नहीं करेंगे कि चलो खाना पीना छोड़ के बैठ गए और इसी कैफियत में अपनी ज़िंदगी गुजर रही है बल्कि किसी माहिर से हम मशवरा करेंगे उसका इलाज कराएंगे किसी भी चीज़ की अगर हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतिक जो शय हमें उसकी तलब नहीं हो रही है उसकी भूख प्यास महसूस नहीं हो रही है तो हम फिर उसका इलाज कराएंगे हमें तो, तो अगर नहीं आएगी यकीन यकीन ये क्या हो रहा है ये कि अभी कोरोना की एक ताज़ा मिसाल हमारे सामने है ना कि अगर हम में से किसी को ये कुछ आसार आते कि हमें कोई बू महसूस नहीं हो रही है किसी चीज़ की तो हम अपने आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को हम कबूल करके नहीं बैठ जाते कि ठीक है खैर है कोई मसला नहीं बू ना आए तो अच्छी बात है कि कोई नाखुशगवार जो चीज़ें हैं उससे हम वो महफूज़ रह सकेंगे हम उसका इलाज कराते थे हम डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तो इसी तरह अगर दिल किसी काम के लिए नहीं चाह रहा और ऐसा काम जो हमारे नफ़े का है दुनिया और आखिरत में हमारे फायदे का है तो हम फिर उसका इलाज कराएंगे यानी आप कह रहे हैं ये भी एक रूहानी बीमारी है जाहिर है ये। और फिर हुजूर ने खुद फरमाया ना कि बेशक हर चीज़ को जंग लगता है और दिल का जंग दिल को भी जंग लगता है और इसका इलाज क्या है कि तुम अल्लाह आलमीन का जिक्र करो बेशक यानी जिक्र की जितनी भी कैफियात है इबादत की जितनी भी सूरतें हैं कसरत के साथ की जाएंगी तो अल्लाह अला आलमीन दिल का जो जंग है उसको खत्म फरमा देगा कुरान करीम में दो तरह के मिजाज के और आदात के लोगों का तस्करा फरमाया गया एक मुनाफिकी है

अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से नमाज अदा करने से ज़कात अदा करने से वो सारी चीज़ें हायल नहीं होती है रुकावट नहीं बनती बल्कि वो किसी भी कैफियत में हो कितनी ही मसरूफियात क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र वो उसको तर्क नहीं करते वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पेशे नज़र रखते हैं और दूसरी तरफ मुनाफिकी है यानी ये ये मुनाफिकी की खसलतों को कुरान करीम में बयान हाँ। फ़रमाया गया कि वाइदा कामू इला वाह कामला काम उलानास कि वो जब नमाज़ के लिए अगर खड़े भी होते हैं तो सुस्ती के साथ बददिली के साथ और ख़ुश खुजू से आर् होकर नमाज़ के लिए खड़े होते हैं या तसवर यह आ जाता है कि लोगों को दिखाएं कि हम नमाज़ पढ़ें और दूसरी जगह फरमाए कि वाला या तो वहम कुसाला, कि वो नमाज़ पढ़ते भी हैं और लोगों के साथ शामिल भी होते हैं तो एक कसल मंदी के साथ सुस्ती के साथ और इस कैफियत में वह नमाजों की तरफ़ आते हैं तो मुनाफिक की यहमत है अगर दिल की ख़ुदा न खासा ये कैफ़ीत है तो फिर हम उसका इलाज कराने की कोशिश करें ऐसे अफराद के पास जाएँ आज हम हॉस्पिटल में चक्कर लगाएँ ऐसे अफराज़ जो ज़िंदगी की आखिरी सांसे ले रहे हैं आज वो इबादत के लिए सदों की लज्जत लिए वो तड़प रहे हैं कि हमारी ज़बीने न्याज को हम सदों की लज्जत से हम वो आ, उसको मुस्तफ़ी कर सकें लेकिन इसके बावजूद वो सैदा नहीं कर सकते आज कब्रिस्तान में जाए वो क, वो ख्वाहिश करते हैं जिस तरह कुराने करीम में फरमाया अर्ज करेंगे इलाही थोड़ा सा वक्त दे दे। ना ला। हम इबादत कर ले। ला। ला। ला ला करीफ। ला। लेकिन कि वला नफसन इदा जा है। जब वक्ते अजल आ जाता है तो मोहलत नहीं अता फरमाता तो हम तसव्वुर ये कर लें कि मुमकिन है अगर हमने ये इरादा किया कि जुम्मे से शुरू करें तो शायद जुम्मे से पहले हमारा खात्मा हो जाए हमें मोहलत ही ना मिले तो अभी से जब भी ये तसव्वुर और नदामत पैदा हो जाए अल्लाह रबारमीन Al का जिक्र करें जिस कदर कसरत के साथ जिक्र करेंगे दिल का जंग और दिल का मैल उसी तरह हमारा खत्म हो जाए इन श्या इन शिबला मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि जो हमारे बुजुर्गान दीन है, है, हैं अल्लाह हैं सिद्दीकीन हैं और जितने भी ऐसे अफराद जिन्होंने अल्लाह रबालत की इबादत के लिए इस अंदाज से अहतमाम किया कि उनकी ज़िंदियाँ फ़जकुरूनी अज़कुर का मस्दाकिन तो वो उनके अहवाल क्या हैं किस अंदाज़ से वो इबादत का अहतमाम करते नज़र आते हैं क्या फरमाइए सुबह सुबह भाई अल्ला ने कुरान मजीद फ़ुर्क़ान हमीद में जा बजा ऐसे बंदों का जिक्र किया उनकी औसाफ उनके बयान फ़रमाए कि वल न यबीतू न व सुजदियामा कि बाकी जो लोग हैं वो रातें इसलिए हैं उनके लिए रातें इसलिए कि वो आराम करें मगर इनके लिए रात ऐसी हैं कि रब से राजू नियाज का तो वो ये रात के जो मखसूस औकात हैं जो रब की बारगाह में हुजूरी के औकात हैं जब वो खुद अपने बंदे को पुकारता है उस वक्त लबई कहने वाले ये सादत जो रब की निदा पे लबई कहते हैं उनकी शान फिर अल्लाह सुबहाना हो रही होती है तो ये जागर है जो उस वक्त जाते उन्हीं के मुकदर जागते जिक्र आपने किया मतलब ऐसी शख्सियात है कि जमाने बीत गए उनका नाम नहीं मिटा Allah. उनका नाम आज भी जिंदा जावेद है और जिंदा जावेद ऐसे कि उनकी की उनकी इबादतों की तस्करी आज हमें मिलते नजर आते हैं और प्यारे आकाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह फैजान अपने आका की सजदों की बरकत से मिला है। हमारे आका ऐसा ऐसा क्याम फरमाते खुद अल्लाह फरमाता है अबीब अब थोड़ा कम कर लीजिए आप, आपका क्याम थोड़ा कम हो जाए अबीब और प्यारे आकाश सल्ला वसलम की इबादतों की कैफियत को देखते हुए उम्म मुबिन सईद आयशा सिद्दी फरमाती हजूर आप तो बख्शे बख्शाएं अल्लाह अल्लाह। इतनी इबादत इतनी इबादत में इतनी मुशक्कत तो सरकार क्या फरमाते यानी इबादत सिर्फ इसलिए कि मुझे मफफरत चाहिए शुक्र गुजारी भी थी कोई चीज़ है प्यार आकाश सजदों की बरकत से उम्मक को सजद नसीब होगा और हजू की सोहबत में रहने वाली शख्सियात कराम हो उमिन सईदा खातून जन्नत Allah 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 ताला Allah. की इबादत की शान खुदों ने इमाम के साथ इबादत करती Allah Allah. एक Allah. में गुजर जाती। और जब अदान के से सर तो फरमाती। इतनी बनाई कि तेरी बंदी फातमा एक सजदा भी सही से अदा न कर Allah. सकी दिल करता था उनका और तवील हो यह बड़ा खूबसूरत जुमला हमने दिल करता था अभी पिछले सवाल में क्या था दिल नहीं कर रहा अब ये दिल करता है ये बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बार समझना चाहे एक डिश है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार पेट भर गया नीयत नहीं भरी वाह खाके नियत नहीं भरी का अल्लाह करे वो चस्का हमें जज्बा मिल जाए बुजुर्गों के सदके में सरकार के सजदे के सदक मुफ्ती जैगम अली गर्दी थी साहब मुख्तार एक मैसेज आपकी तरफ से आज के मौजू पर इबादत की कबूलियत मेहनर भाई कुरान करीम में हमसे जो तकाज़ा फरमाया गया ना आज हम देखें तो हमारी दौड़ें और हमारी जो तरजीहत है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं किसी की तरजीह यह है कि आपके पास फुला गाड़ी है मैं उससे बेहतर ले लूँ आपका मकान इतना अच्छा है मैं उससे बेहतर मकान अपना बना लूँ कुरान करीम में हमसे जो तकाजा फरमाया गया कि फस्ता बिल्कुल खैरात तुम नेकियों में एक दूसरे से सबकत करो एक दूसरे से एक दूसरे से मुकाबला करो यानी अगर तुम्हारा भाई साल के एक महीने के रोजे रखता है तो तुम कोशिश करो कि नवाफिल का भी इहतमाम करो तमाम करो अगर कोई पंच वक्त नमाज पढ़ता है तो तुम कोशिश करो कि उसके साथ साथ नवाफिल का भीतमाम करो ये में भी का काम करो यानी साहब कराम की दौड़ यही होती कराम तो बाजार में भी कभी कभी इस एहतमाम के साथ और इस इरादे के साथ जाते थे कि रास्ते में जाएंगे आएँगे जितने लोग मिलेंगे उनसे सलाम करेंगे मुलाकात करेंगे और खलूस नीयत के साथ मिलेंगे तो अल्लाह आलमीन उसका भी हमें अज़र फरमाएगा। वा, 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 वा। तो सिर्फ जाना आना इसलिए होता था वा, 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 वा। तो और फिर हाजिर होकर हम कोशिश करेंगे के के ले ले ताकि जमात की पाबंदी हो जाए फरमाया कि नहीं घर दूर ही रखो जितना आने जाने में तुम्हारे कदम उठेंगे लगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी तुम्हें अता आता हमारी तरजीहात ये होनी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी में जो निखार है वो हमें अता फरमाए आमीन आमीन मुफ्ती साहब मैसेज आपकी तरफ से आ, मैं अर्ज़ करूँगा कि इबादत के तस्वूर पर हमने बात की तो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अगर रब की इतात और फरमा बर्दारी में हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझते हैं कि शायद हमारे दीन का उससे ताल्लुक नहीं उसमें से एक मसला है रुकावटें खड़ी करने का अल्लाह रोड्स ब्लॉक करने का वो किसी भी कैफियत में हो सकती है हुजूर ने फरमाया कि ईमान के बहुत सारे शोबा जाते हैं एक शोबा क्या रास्ते से को ये भी, की भी कीजिए जी नादरीन कराम आज गुफ्तु हुई और हम देखते हैं तारीख देखते हैं इस्लाम की और इवन ये कि जो सबका जितनी अकवाम गुजरी और मुसलमाना ने आलम की जब हम तारीख उठाकर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो हमारे अकाबरीन है जो हमारे असलाफ हैं क्यों रब तला ने उनको इतनी इज्जतों से इतनी रिफतों से इतनी बुलंदियों से नवाजा क्योंकि वो अपनी इबादत में ख़ास अहतमाम किया करते थे तमाम एस ओ पीज़ को तमाम प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो करते थे तो देखें अल्लाह ताला ने उनको किन इज़्ज़तों के साथ नवाज़ा है और आज जो माशरे में हमें कमियाँ नज़र आ रही हैं जो बेबरकती नज़र आ रही है कोई अपनी उम्र में बरकतों की शिकायत कर रहा है कि वो बरकतें आज उम्र में नहीं रहीं कोई रिस्क में कह रहा है कि वो बरकत नहीं रही जिस तरह पहले थोड़ा सा खाना और काफ़ी लोग मिलकर खा लिया करते थे आज बहुत सारा खाना भी कम लोगों को कम पड़ जाता है ये कैफियत है और जो कराम से गुफ्तू सुनी उससे यही लगता है कि वो अंदाज़ हमने छोड़ दिया जो हमारे असलाफ अकाबरीन का था कि जिस एहतमाम से वो अपनी इबादत रब के हुजूर पेश करते उसमें कहीं कही ना कहीं नाज़रीन ज़रूर कमी है और इसीलिए डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने इशारा किया कि सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने नोए इंसान को ग़ुमी से छुड़ाया किसने मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने मेरे क़ुरआन को सीनों से लगाया किसने थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो अल्लाह तबारक व वाल से दुआ दुआ है कि जितनी भी गुफ्तु हुई रब हमें उस पर उसको फॉलो करते हुए उसकी इतबा में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अतः फ़रमाए मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह बहुत मुफ़ीद गुफ्तु और बहुत असलाह हुई आज हमारे नाजरन की हमारी अल्लाह तबारक वाली आपके इल्म अमल में उम्र में बरकत अता फ़रमाए जजाकल्ला सर बहुत शुक्रिया और आपके साथ साथ मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देदी शाह साहब सर आपका बहुत शुक्रिया